हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे ना, मेरा मास्क किधर है? तो ये रहा मेरा मास्क, और हटा दिया था ताकि आवाज़ क्लियर जाएगी। काफ़ी सारे मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि मम्मी की तबीयत अभी कैसी है। मैं हॉस्पिटल में थी, काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थी, तो मैं बता नहीं पाई थी। अभी हम घर आ गए हैं डिस्चार्ज होकर के। तो मम्मी की तबीयत अभी स्थिर है, सही है, रिकवर कर रही हैं, लेकिन दवा भी चल रहा है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें शायद एक दो बार और लेकर के आना होगा, और क्या बेहतर हो सकता है वो डॉक्टर्स बताएंगे। मम्मी की तबीयत अभी सही है, ठीक है। हालात कैसे हैं हम सभी जानते हैं। व्यवस्था और सरकार के ऊपर कोरोना के चलते दबाव काफ़ी ज़्यादा है। इन सब के बावजूद भी जो राहत पहुंचाने वाली बात है वो ये है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने वालों की प्रतिशत काफ़ी अधिक है। तो जो लोग बीमार हैं उन्हें उन लोगों के प्लाज्मा की ज़रूरत है जो कोरोना संक्रमण को हरा चुके हैं, जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं। तो ऐसे में आप लोगों से निवेदन है कि अपने आसपास के उन लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करिए जो कोरोना की जंग जीत चुके हैं। यही एक अपील करनी थी, निवेदन है कि प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रोत्साहित करें। और जो दोस्त ठीक हो चुके हैं वो सामने आए, प्लाज्मा डोनेट करें। आपके डोनेशन से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की माँ की ज़िंदगी बच सकती है, किसी का अपना पिता, भाई, बच्चे, आपके हाथों तो उनकी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी बचा लीजिए। सामने आइए, प्लाज्मा डोनेट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।